है पनीर, पनीर को मैंने काट लिया है, ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं था पर जितना था। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है मेरे भाई का बर्थडे, आज है अगस्त 1 एंड इट इज़ हिज बर्थडे। सो आज थर्सडे है तो हमने सोचा कि चलो घर पे कुछ स्पेशल बना लेते हैं उसके लिए, और वैसे मेरी मम्मी का तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो आज कुकिंग मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुकिंग तो मैं कर रही हूँ, तो आज कुछ स्पेशल डिश भी मेरे हाथों से बनाया जाते हैं। तो यस, ऑल द प्रिपरेशन आर ऑल सेट, वेजेस कट हो चुका है। आई एम थिंकिंग टू मेक फ्राइड राइस एंड दाल फ्राई एंड कचुम्बर एंड यस दैट मच, और रात को पूरी पनीर केक, देखते क्या होता है। जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, और आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं चैनल पे तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर सारे ब्लॉग्स देखिए, फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। चावल पक रहे हैं एकदम से, फ्राइड राइस के लिए ये चावल पक रहे हैं, और इधर साइड पे दाल हो चुका है कंप्लीट, और इधर आएंगे तो ये है पनीर। पनीर को मैंने काट लिया है, ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं था पर जितना था। आलू और गाजर को भी मैंने चॉप कर लिया है, और फिर यहाँ पे आता है हमारा सोयाबीन, तो ये है सोया। और फिर फ्राई करने के लिए, मसाला में डालने के लिए मैंने बारीकी से प्याज को काट लिया है, और अदरक और लहसुन का ये मैंने पेस्ट बना के यहाँ पे रखा है। तो चलिए अभी हम वेजिटेबल्स को सौते करते हैं और मसाला बनाना कर शुरू करते हैं फ्राइड राइस के लिए। तो अभी पूरा थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट अगर मैं खड़े होके मतलब खाना पकाती है, कुकिंग करती है, तो मेरे लेग्स इतना ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, आई कॉन्ट एक्सप्लेन। सो मम्मी को मतलब ज़्यादा तबीयत खराब हुआ नहीं है, मम्मी इज़ हैविंग अ बिट ऑफ फीवर बट अभी वो ठीक है, शी इज़ फीलिंग वेल। सो उसने बोला कि तू अब जाके बैठ जा, मैं मसाला बना देती हूँ। तो सारे वेजिटेबल्स को सौते कर चुकी हूँ, अच्छे से फ्राई हो चुका है सोयाबीन, पनीर, गाजर, आलू, एवरीथिंग डन। दाल फ्राई भी ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, उसको बस तड़का लगाना है, और चावल भी रेडी है। तब तक के लिए मम्मी अभी मसाला बनाएगी, मस्त मसाला बनाते बनाते फिर हम चावल और मसाला को मिक्स कर देंगे और अच्छा सा फ्राइड राइस बन जाएगा, और फिर जाके मैं छौंक लगा दूँगी मतलब फ्राई कर दूँगी दाल फ्राई को, और फिर मैं बनाऊँगी कचुम्बर। तो आज मैंने सोचा है चलो करते हैं, तो करके ही रहेंगे। ये मिक्सिंग, तो इधर पहले चावल को दूसरे कंटेनर पे हम निकाल रहे हैं और इसको फैला रहे हैं, मस्त सा फैला के चावल को। इसके अंदर अब हम डालेंगे घी, एकदम देसी वाला घी जो हम अपने घर पे बनाते हैं, और फिर हम इसमें सारे सौते वेजिटेबल्स जिसे हमने फ्राई किए हुए मसाले के साथ इसको अब हम डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा चावल डालेंगे, और फिर इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स, ऐसे करते करते हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्राइड राइस बन चुका है, तब वो तो अब आता है टेस्टिंग की बारी। मैं तो एक ही निवाला लूँगी अभी के लिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Soyam, happy birthday to you. सॉरी
केक कटिंग के बाद मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज सो बिजी, क्योंकि जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो इधर उधर होके माई लेग्स आर लिटरली पेनिंग में अभी भी, मतलब हॉट बैग दे के रखी हूँ अपने पाँव पे एंड आई एम इन द बेड नाउ। सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना पीना भी ख़त्म हो गया है और केक कटिंग भी ख़त्म हो गया है। सो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। इफ यू न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड बाय।